राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थ नानसिक, विधायक काशी सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य विधान परिषद श्री आशुतोष सिन्हा, श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता भाजपा श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष खीरी श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव, संरक्षक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के रूप में मौजूद थे। समारोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद व सभासद के चुनाव में विजयी प्राप्त करने तथा चुनाव लड़ने वाले कायस्थ समाज के प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष खीरी, बलेंद्र प्रताप श्रीवास्तव अध्यक्ष प्रयागपुरी, श्रीमती नेहा वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष बस्ती, गौरव श्रीवास्तव नगर पंचायत अध्यक्ष चकिया को सम्मानित किया गया। श्री अनिल श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी, श्री अजय श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी प्रयागराज, श्री मनोज श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर, हरिकेन विक्रम श्रीवास्तव आजमगढ़, निशित श्रीवास्तव बलिया, जो अपने जनपदों से मजबूती से चुनाव में भाग लिया को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सभासदों का चुनाव जीतने वालों को भी सम्मानित किया गया। आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कायस्थ सभा ने भारी संख्या में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। उप मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कायस्थ समाज की तारीफ करते हुए इस समाज को देश को दिशा दिखाने वाला बताया। कायस्थ समाज के चुनाव जीतने वालों को बधाई देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ाना देश के हित में है। विशिष्ट अतिथि सिद्धार्थनाथ सिंह ने आयोजन को अत्यधिक सफल बताते हुए दूर दूर से आए कायस्थ समाज के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज में राजनीतिक चेतना का तेजी से आगे बढ़ना एक अच्छा संदेश है और आगे आने वाले समय में कायस्थ बाहुल्य जनपदों से और अधिक प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रदेश के कई जनपद कायस्थ बाहुल्य हैं, जहाँ से चुनाव में कायस्थ समुदाय के लोगों को ही टिकट दिया जाना चाहिए, अन्यथा अब समाज राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है और अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह समाज अपने हक के लिए किसी भी सीमा तक जाकर संघर्ष करने को तैयार है। श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री महेश हिंदवी व डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने किया। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कायस्थ समाज का आभार प्रकट करता हूँ। कायस्थ समाज ने आजादी से लेकर अब तक बहुत ही अग्रणी भूमिका समाज में निभाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय समाज द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सी एम बृजेश पाठक जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उमेश जी, बहुत अच्छा लगा। चाहे ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि हमारे समाज के लोग आगे निकल रहे। कार्यक्रम के बारे में आज यहाँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद जो जीते हैं उनको सम्मानित किया गया। जो चुनाव लड़े इन्हीं कारणों से विजयश्री नहीं प्राप्त कर पाए उनको भी इसलिए सम्मानित किया गया कि वो हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत हैं। कायस्थ समाज राजनीति में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इस पिछड़े हुए को हम आगे बढ़ाने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी जागरूकता, हमारी हिस्सेदारी राजनीति में उसी तरीके से हो जैसे अन्य बिरादरियों की, अन्य लोगों की होती है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आपने देखा बृजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे, सौरभ जी हैं, आशुतोष जी हैं, ये माननीय विधायकगण हैं बनारस से, और हमारे संरक्षक हृदय नारायण जी हैं। हम संस्था की तरफ से पूरे प्रदेश में एक अभियान ये चला रहे हैं कि जो भी लोग हमारे राजनीति में आगे आना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। जो चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, जहां वो आगे अपनी हिस्सेदारी जो करना चाहते हैं उसके लिए हम उनका पूरा साथ देंगे। और अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आता है, आपके सामने तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अनिल श्रीवास्तव जी हैं बनारस से, अजय जी हैं इलाहाबाद से, मनोज जी हैं मिर्जापुर से, जो लोग जीत तो नहीं पाए लेकिन इन लोगों ने कायस्थों की एकता को दिखाते हुए वहाँ जो लोग चुनाव लड़ रहे थे
उनको ये एहसास करा दिया कि अब हमारे की उपेक्षा करके बहुत समय तक ये राजनीति नहीं चल सकती। कायस्थ समाज द्वारा प्रदेश सरकार से क्या कुछ मांग पत्र रखा गया है? यस, प्रदेश सरकार से हमने 3-4 मांगे रखी हैं। पहली सबसे बड़ी मांग उसमें ये है कि जिन जनपदों में हमारा आबादी का प्रतिशत ज़्यादा है, उन जनपदों में जब प्रत्याशिता तय हो उनकी, तो हमारे नामों पे गंभीरता से विचार किया जाए। जहाँ जहाँ जैसे गोरखपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, लखनऊ से लगभग 7 लाख के करीब कायस्थ मतदाता लखनऊ में है, लेकिन आज की तारीख में लखनऊ से कोई कास्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न नगर पालिका के मेयर में, न कहीं विधायक में, कहीं कोई कास्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारी प्रदेश सरकार से यही अनुरोध है कि जहां हमारी आबादी जिस हिसाब से है, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी वो दीजिए। कायस्थ महासभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें आपको सम्मानित किया, लगातार 30 सालों से आप अपने क्षेत्र के सभासद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी उपलब्धि को लेकर? मैं 30 साल से उन जनता का आभारी हूँ क्योंकि जनता ने मुझे 30 साल से लगातार बनाया। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगर पालिका भी रह चुका हूँ, टैक्स कमेटी चेयरमैन भी रह चुका हूँ। लगातार जनता का सहयोग मिलता रहा, परिवार का भी सहयोग मिलता रहा, और मैं आभार अपना व्यक्त करने आया हूँ कायस्थ समाज का भी, जिसने मुझे समर्थन दिया, और मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। कायस्थों में राजनीतिक चेतना जो होनी चाहिए उसकी कमी है, और ये कार्यक्रम उसमें एक मील का पत्थर था, क्योंकि ये कार्यक्रम में जितने लोगों ने चुनाव लड़ा, जो चुनाव जीते हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो वो व्यक्ति जो लोग राजनीति में अपना करियर देखते हैं और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनको प्रदेश भर में इससे एक पहचान मिली है, और उन्हें लगा है कि पहली बार शायद ये हुआ है, उन्हें लगा है कि कोई ऐसा भी मंच है जहाँ पे हमें चुनाव लड़ने, हारने जीतने से मतलब नहीं है, लड़ने से मतलब है, और जिसके लिए हमें सम्मानित किया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, और ये कार्यक्रम अगर हुआ है तो आगे इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, जो राजनीतिक लोगों में जुड़ाव है और राजनीति में रुचि है, वो बढ़ेगी, और जिससे समाज को ठीक है। न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।